दोस्तों, कार और बाइक से जुड़ी हुई हर अपडेट के लिए आप ऑटो एडवाइस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि लॉकडाउन के बाद सेडान कैटेगरी में गाड़ियों का क्या हाल है, लोगों को पहले की तरह ही सभी गाड़ियां पसंद आ रही हैं या फिर इनकी सेल्स फिगर में बहुत ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। तो हमारी इस लिस्ट में जो गाड़ी सबसे कम बिकी है वो है ह्यूंडई की तरफ से इलेंट्रा, जिसकी सिर्फ 15 यूनिट ही सेल हो पाई हैं जून के महीने में। जबकि लॉकडाउन से पहले अगर कंपेयर करें तो जनवरी के महीने में 63 यूनिट इसकी सेल हुई थी। हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन का ज़्यादा इफेक्ट थोड़ी प्रीमियम गाड़ियों पर ज़्यादा हुआ है। यहाँ पर ये गाड़ी 1.5 लीटर डीजल और 2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ अवेलेबल है। प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 17.6 लाख से स्टार्ट होकर 20.6 लाख तक जाता है। हालांकि कंपनी ने इसके पेट्रोल वेरिएंट पे 80 से 90 हज़ार तक का डिस्काउंट भी दिया है, तब जाकर इतनी गाड़ियां सेल हो पाई हैं। अगली गाड़ी हमारे लिस्ट में सबकी फेवरेट होंडा अमेज है, जिसकी सिर्फ 139 यूनिट ही सेल हो पाई हैं जून के महीने में। अगर जनवरी की बात करें तो ये 3160 यूनिट सेल हुई थी और फरवरी में 5814 रिकॉर्ड ब्रेकिंग गाड़ियाँ सेल हुई थी। तो एक तरह से लॉकडाउन के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंडा अमेज पे हुआ है। इंजन की बात करें तो ये गाड़ी 1.2 पेट्रोल और 1.5 डीजल इंजन के साथ अवेलेबल है। माइलेज इस गाड़ी की पेट्रोल में 18 से 19 की मिल जाती है और डीजल में आपको लगभग 21 तक की माइलेज इसमें देखने को मिल जाएगी। प्राइस इस गाड़ी का 6 लाख से स्टार्ट होकर 9.95 लाख तक जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ साथ अगली गाड़ी हमारी लिस्ट में है फोक्सवैगन की तरफ से वेंटो। यहाँ पर जून में ये गाड़ी 282 यूनिट सेल हुई थी और जनवरी में 250 यूनिट इसकी सेल हुई थी। तो एक तरह से देखा जाए तो इसकी पॉपुलैरिटी पे कोई इतना डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ पर लगभग थोड़ी ज़्यादा यूनिट ही सेल हुई हैं अगर हम जनवरी से कंपेयर करें तो। ये गाड़ी हालांकि सिर्फ 1 लीटर इंजन के साथ आती है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर देती है, 110 पीएस की और 175 न्यूटन मीटर का आपको टॉर्क मिल जाता है। प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल है, 8.8 लाख से स्टार्ट हो गए 13.2 लाख तक ये गाड़ी जाती है। अगली गाड़ी हमारी लिस्ट में है फोर्ड एस्पायर, जिसने काफ़ी कस्टमर होंडा अमेज से ले लिए हैं, क्योंकि इस गाड़ी की 381 यूनिट सेल हुई हैं जून के महीने में, जबकि जनवरी में 518 यूनिट सेल हुई हैं। ये लगभग सेम प्राइस रेंज में आती है होंडा अमेज के। इसमें आपको 1.2 पेट्रोल और 1.5 डीजल देखने को मिलता है, जैसा हमें होंडा अमेज में देखने को मिलता था। प्राइस की बात करें तो काफ़ी कॉम्पिटेटिव प्राइस है, 6 लाख से स्टार्ट होकर 8.6 लाख तक ये गाड़ी जाती है। इसके बाद आती है मारुति की तरफ से सियाज, जिसकी जून में 553 यूनिट सेल हुई थी। ये गाड़ी सिर्फ आपको पेट्रोल इंजन में ही अवेलेबल होगी 1.5 लीटर के साथ। माइलेज आपको 20 के एमपीएल तक का देखने को मिल जाएगा। इस गाड़ी की सेल में भी काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिला है। जनवरी में 835 यूनिट सेल हुई थी और फरवरी में 2544 यूनिट सेल हुई थी इस गाड़ी की, जबकि जून में 553 यूनिट ही सेल हो पाई हैं। प्राइस की बात करें तो 8.3 लाख से स्टार्ट होकर 11 लाख तक ये गाड़ी जाती है। इसके बाद पांचवें नंबर पे गाड़ी आती है स्कोडा की तरफ से रैपिड, जिसकी 577 यूनिट सेल हुई है जून के महीने में, और फरवरी की बात करें लॉकडाउन से पहले तो 680 यूनिट सेल हुई थी। तो उसकी पॉपुलैरिटी पे कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा है। इसमें आपको सिर्फ 1 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन मिलता है। प्राइस की बात करें तो 7.4 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट होकर 11.7 लाख तक जाता है। माइलेज इस गाड़ी में आपको 18 से 19 केएमपीएल तक की मिल जाएगी। अगली गाड़ी हमारी लिस्ट में है होंडा सिटी, जो कि सबकी फेवरेट है। इसकी भी सेल में आपको लगभग 50% का ड्रॉप देखने को मिला है। जून के महीने में 885 यूनिट इसकी सेल हुई थी और फरवरी के महीने में 1256 यूनिट सेल हुई थी लॉकडाउन से पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है इसकी सेल्स में। ये गाड़ी अब सिर्फ आपको पेट्रोल में मिलती है 1.5 लीटर इंजन के साथ और प्राइस इसका 9.9 लाख से स्टार्ट होकर 14.3 लाख तक जाता है। माइलेज की बात करें तो 17 से 18 केएमपीएल तक की आपको माइलेज मिल जाएगी।
तो आप भी सोच रहे होंगे कि हर गाड़ी के सेल्स फिगर में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ गया लॉकडाउन खुलने के बाद। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको तीन स्ट्रॉन्ग रीज़न बताऊंगा कि क्यों गाड़ियों के सेल्स फिगर पहले जैसे नहीं रहे। अगली गाड़ी हमारी लिस्ट में है ह्युंडई की तरफ से ओरा, जिसकी जून में 1016 यूनिट सेल हुई थी और फरवरी के महीने में कंपेयर करें लॉकडाउन से पहले तो 4968 यूनिट इसकी सेल हुई थी। प्राइस की बात करें तो 5.7 लाख से स्टार्ट हो गए 9.2 लाख तक इसका प्राइस जाता है और सिर्फ यही एक ऐसी गाड़ी है जिसमें आपको इतने ज़्यादा इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक आपको 1.2 पेट्रोल मिलता है, एक 1.2 डीजल मिलता है, एक 1 लीटर का आपको टर्बो इंजन मिलेगा पेट्रोल में और एक 1.2 पेट्रोल CNG के साथ अवेलेबल मिलेगा। इतने अच्छे ऑप्शंस होने के बाद भी इसकी सेल्स में इतना ज़्यादा हमें ड्रॉप देखने को मिला है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में इसकी सेल्स में कुछ हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाए। 1.5 डीजल और 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो उसका प्राइस 9.3 लाख से स्टार्ट हो जाता है और 15 लाख तक जाता है। इस गाड़ी के ज़्यादा सेल होने का सबसे बड़ा कारण है इसमें आपको 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है और काफ़ी बजट में आ जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इस सेगमेंट की किंग की, यहाँ पर कौन सी ऐसी गाड़ी है जो सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो वो है मारुति की डिज़ायर, जो कि जून के महीने में 5834 यूनिट सेल हुई हैं। बट अगर हम जनवरी से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम फिगर है, क्योंकि जनवरी में 22406 यूनिट इसकी सेल हुई थी। प्राइस की बात करें तो 5.89 से स्टार्ट होकर इसका प्राइस 8.8 लाख तक जाता है। इंजन और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ आपको एक ही इंजन मिलता है 1.2 पेट्रोल डुअल जेट के साथ, जिसकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। आपको 23 से 24 KMPL तक इसमें माइलेज देखने को मिल जाएगी। तो अब जान लेते हैं कि वो कौन से तीन कारण हैं जिनकी वजह से इनकी सेल्स में इतना ज़्यादा डिफरेंस हमें देखने को मिला है। सबसे पहला कारण है कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है, जिसकी वजह से जो बायर्स प्रीमियम सेडान गाड़ी लेने वाले थे वो अब मिड साइज़ पे शिफ्ट हो गए हैं और जो बजट सेडान गाड़ी लेने वाले थे वो अब हैचबैक पे शिफ्ट हो गए हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है BS6 का लॉन्च होना। BS6 के बाद सभी डीजल गाड़ियों के रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब डीजल इंजन लेना उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रह गया। वहीं काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी बजट गाड़ियों में से डीजल इंजन को भी रिमूव कर दिया है। इसी कारण की वजह से पुरानी गाड़ियों के सेल्स में आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, क्योंकि अब जो नया डीजल इंजन आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, इसलिए लोग BS4 डीजल के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो कि सेकेंड हैंड मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाता है काफ़ी अच्छे प्राइस रेंज में। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पर अब इंडिया में लोगों को कॉम्पैक्ट SUV ज़्यादा पसंद आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीमियम सेडान कार, क्योंकि कॉम्पैक्ट SUV में आपको स्पेस अच्छा मिलता है, आपको ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा मिलेगा और वहीं आपको गाड़ी की ओवरऑल हाइट काफ़ी अच्छी मिलती है, जिससे आप किसी भी तरह की रोड पे गाड़ी को इजीली चला सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वहीं कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन सभी गाड़ियों में से आपके हिसाब से वैल्यू फॉर मनी गाड़ी कौन सी है। वहीं अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन होगा मेरे लिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना, मैं उसको क्विक रिप्लाई दूंगा और आगे आने वाली वीडियो में उन्हें इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जब भी आप फोर व्हीलर चलाएं तो हमेशा सीट बेल्ट जरूर लगाएं, यह आपकी सेफ्टी के लिए ही है।